क्या आप आजकल रिपीटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और स्पेशली वो भी 2 2 2? घड़ी पे नज़र गई, 22:22। क्या ये अक्सर हो रहा है आपके साथ? बार बार आपको वो दिख रहा है और आप सोच में पड़ रहे हैं कि मैं क्यों बार बार नंबर 2 रिपीटेड वेज में देख रहा हूँ या देख रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करने आ गई हूँ। 2 2 2 डिफरेंट लोगों के लिए इसका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप पर मैनिफेस्ट कर रहा है तो इसके लिए 2 2 2 एक अलग मीनिंग लेकर आता है, और अगर कोई किसी और चीज़ पर फोकस कर रहा है तो उसके लिए 2 2 2 एक डिफरेंट मीनिंग लेकर आता है। तो आज मैं आपको छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स देकर 2 2 2 के डिफरेंट मीनिंग्स को समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला 2 2 2 जो है वो रिलेशनशिप पर फोकस करने को बोल रहा है। शायद आप अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो फैमिली है वो आपके टाइम और अटेंशन के लिए तड़प रही है, लेकिन आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो 2 2 2 आपको ये कहता है कि आप प्लीज़ वर्क लाइफ बैलेंस कीजिए। आजकल अक्सर देखा गया है कि एक घर में फादर जो है वो बिजी है ऑन लैपटॉप, मदर इज़ ऑल्सो बिजी ऑन लैपटॉप और ऑन हर मोबाइल, और बच्चा जो है आकर दोनों की अटेंशन के लिए तड़पता है, बट नन ऑफ द पेरेंट्स, उनके पास ये समय ही नहीं है कि बच्चे को टाइम दे। तो दिस इज़ द राइट टाइम, प्लीज़ स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर फैमिली एंड टू योर लव्ड वंस। प्लीज़ बैलेंस करके चलने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो क्या होता है, कभी कभी किसी का अगर ब्रेकअप हो गया तो उस समय वो पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को सारी दुनिया से अलग कर देता है। वो इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से भी वो अलग हो जाता है, मतलब अपने आप को ऐसे वो ब्लॉक कर देता है कि कोई उससे बात भी ना कर पाए। स्टॉप डूइंग दैट, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर अदर रिलेशनशिप्स, नर्चर द रिलेशनशिप्स। आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने लव्ड वन से बात कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, बिकॉज लाइफ किसी एक रिलेशनशिप के ऊपर टिका नहीं है। सो यहाँ जो है यूनिवर्स या फिर एंजल्स आपको अपने रिलेशनशिप पर फोकस करने को बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए, घर घर में आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पेरेंट्स आर द मोस्ट सफरर। नाउ आजकल लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें या अपने पेरेंट्स के साथ समय गुजारें। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मत भूलिए आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। दिस इज़ द टाइम टू गिव देम बैक द सेम लव व्हाट दे हैव गिवन यू। तो एंजल्स आपको ये भी बता रहा है कि प्लीज़ फोकस ऑन योर रिलेशनशिप, प्लीज़ गिव लव, नर्चर योर रिलेशनशिप्स, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी ऑफ लेट अगर देखा जाए, लोग रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं है कि ओनली रिलेटिव्स, गुड फ्रेंड्स, जो भी आपके करीब हैं। आजकल इसमें एक और चीज़ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, एंड दैट इज़ सोशल मीडिया। मोस्टली वी आर सो एनग्रॉस्ड एंगेज्ड इन सोशल मीडिया कि हमारे पास अपने परिवार के लोगों के लिए भी टाइम नहीं है। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस। एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोशल मीडिया, यस, एंटरटेनमेंट, स्ट्रेस बस्टर, सब चीज़ सबके लिए ठीक है,
लेकिन फॉर अ लिमिटेड पीरियड, बट जो आपके पास टाइम बचा है, गिव इट योर फ्रेंड्स, गिव इट योर फैमिली, आपका बच्चा जो आपके अटेंशन के लिए तड़प रहा है, गिव टाइम टू योर बच्चा, हैव सॉलिड फैमिली टाइम. सो 2-2-2 जो है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बार बार आपको ये नंबर दिखता है. सो यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर लव्ड वंस, विथ योर पेरेंट्स, स्पेशली 2-2-2 ये नंबर रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करने को कहता है. सेकेंड पॉइंट जो है, 2-2-2 ऑल्सो आपको ये बताता है कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक एनी डिसीजन. अगर कोई डिसीजन लेने में आप बहुत दिनों से मतलब बहुत कंफ्यूज्ड हैं और उसे टाले जा रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या फिर उससे डिस्कस करूंगा, उससे डिस्कस करूंगी, आप बहुत लोगों से डिस्कस करके उनका राय ले रहे हैं लेकिन आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डियर फ्रेंड्स स्टॉप दैट, बिकॉज यहाँ आपको एंजल्स या फिर यूनिवर्स जो है अंदर से गाइड कर रहे हैं. डिसीजन आपको खुद लेना है. और डिसीजन, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं, हाँ नहीं दिस दैट एंड ऑल, तो आप यूनिवर्स या फिर एंजल्स या फिर ऊपर वाला या भगवान या किसी को, जिसे whomever यू बिलीव, आप उनको याद कीजिए. क्लोज योर आईज, डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड थोड़ा फोकस कीजिए कि अंदर से क्या आवाज आ रहा है, अंदर से आपको कौन सा गाइडेंस मिल रहा है. इट्स नॉट नेसेसरी कि यू विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ साउंड और वट एवर, इट कुड बी मतलब आप एक विजुअल देख सकते हैं या आपको मतलब अंदर से ये गाइडेंस मिल सकता है कि यू शुड डू दैट. तो ये जो है, इसमें से जो फर्स्ट थॉट आपके पास आएगा, दैट इज द डिसीजन यू शुड टेक. ये जो पहला वाला है वो हमेशा ये यूनिवर्स या फिर एंजल्स या फिर ऊपर वाला जो है, दैट इज द वन विच दे आर ट्राइंग टू टेल यू. सो डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स, जस्ट टेक योर डिसीजन. ये आपका करेक्ट टाइम है, दिस इज द टाइम यू शुड टेक एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या फिर लव अफेयर हो या फिर एनी रिलेशनशिप हो या फिर कोई रिलेशनशिप को ठीक करना हो. बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ है बट आपको लग रहा है कि मैं बात करूं नहीं करूं, दिस इज द राइट टाइम फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. और या फिर ये एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकता है, कौन सा लाइन चूज करूं, ये करूं, कौन सा स्कूल, दिस और दैट, मेरे बच्चे को कौन से स्कूल में डालूं, तो ये भी एक कंफ्यूजन रहता है. तो एनी डिसीजन, दिस इज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन, एंड ये डिसीजन आपको खुद ही लेना है. सो दिस इज अगेन वन थिंग विच द यूनिवर्स और द एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू. थर्ड थिंग व्हाट द एंजल्स और द यूनिवर्स आर ट्राइंग टू टेल यू, वो ये है कि वॉच योर थॉट्स. हम अक्सर क्या होता है कि किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच लेते हैं. तो ये दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि थॉट्स क्या होता है, ये क्या करता है कि गुड थॉट्स तो कम ही आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं. तो अभी आपको जो आपके एंजल्स हैं या यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि अपने थॉट्स पर रोक लगाओ, और नेगेटिव थॉट्स को जो है वो अगर आए भी तो उसे दूर करो. क्योंकि सपोज कोई एक बीमारी है और आप हमेशा सोच रहे हैं कि मुझे तो शायद ये बीमारी हो गई है, मुझे तो शायद आपको ये बीमारी हो गई है, बिलीव मी रिपीटेड थॉट्स, अगर आप बार बार इसी चीज़ को लेकर सोचते रहें, अगर आपको वो बीमारी ना भी हो लेकिन यूनिवर्स जो है क्या करता है, रिपीटेड थॉट्स के ऊपर काम करता है. तो अगर ऐसे थॉट्स आप बार 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 एक ही चीज़ को सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वो बाउंस बैक करेगा और आपको वो बीमारी जरूर हो जाएगी. या फिर अगर आप कंटिन्यूसली सोचें कि मेरे पास तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मुझे तो ये नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, मुझे कैसे जॉब मिलेगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो बिलीव मी यू आर नॉट गेटिंग द जॉब. बट अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर फोकस करें तो डेफिनेटली आपको वो जॉब
मिल जाएगी. सो दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एंजल्स और यूनिवर्स जो है वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि कीप अ ट्रैप ऑन योर थॉट्स. आप जो है अपने थॉट्स के ऊपर फोकस करें, मतलब आपके जो थॉट्स हैं पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर ही फोकस करें, नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनसे दूर रहिए. बार बार उसी एक चीज़ को अगर वो आए भी तो उसे धक्का मार के हटा दीजिए. नेगेटिव थॉट्स के ऊपर फोकस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रिपीटेडली नेगेटिव थॉट्स के ऊपर फोकस करेंगे सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बाउंस बैक, और वही आपके साथ होने वाला है. सो आपको क्या चाहिए, द पॉजिटिव वन और द नेगेटिव वन? सो प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव थॉट्स. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिंग अ बैलेंस टू योर लाइफ. जैसे ये 2-2-2, ये किस, जैसे मैंने शुरू से बोला फॉर डिफरेंट पर्सन इसका डिफरेंट मीनिंग्स होता है. अब क्या है जो इसका मेनली 2-2-2, फोकस ऑन रिलेशनशिप. सेकेंड है कि अपने थॉट्स पर काम करो. थर्ड, बैलेंस, ब्रिंग अ बैलेंस टू योर लाइफ. अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब हर समय खाली काम काम काम, या फिर आप खाली मतलब फ्रेंड्स के साथ ही टाइम बिता रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं बिता रहे हैं, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आप अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो एनी टाइप ऑफ बैलेंस विच इज रिक्वायर्ड, आपको अब इस बैलेंस को लाना है अपने लाइफ में. जो लोग एक्सरसाइज से भाग रहे हैं, घर में बैठे सारा दिन टीवी देख रहे हैं, मतलब आपको क्या करना है, अब आपको अपने हेल्थ के बारे में भी सोचना है. सो ऑल टुगेदर, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, सब मिलाकर एक बैलेंस लाना है. अगर आप बहुत दिन से यू आर एग्जॉस्टेड, वर्किंग, आप मतलब इतने स्ट्रेस में हैं कि आपके पास मतलब किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होता है, तो हाउ विल यू बैलेंस? टेक अ 2 डेज ब्रेक. आप कहीं बाहर निकलिए, घूम कर आइए, या फिर 2 डेज ऑफ लेकर घर में अपने परिवार के साथ हंसिए, बात कीजिए. वो बैलेंस जो है, ब्रिंग इट बैक टू योर लाइफ. सो दैट इज अनदर थिंग द एंजल्स वांट टू टेल यू. एंड फाइनली, इन अ नटशेल, मैं ये बोलूंगी, नंबर 2, इट रिप्रेजेंट्स मून इन न्यूमरोलॉजी, है ना? और अगर हम 2-2-2 को ऐड कर दें, 2+2+2, इट इक्वल्स टू 6. 6 जो है वीनस का नंबर है, तो मून रिप्रेजेंट्स, मून एंड वीनस टुगेदर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? लव एंड हार्ट. सो दैट मीन्स इफ यू आर सीइंग नंबर 2-2-2, दैट मीन्स यू शुड एंजॉय द मोमेंट. ये जो है आप एकदम, वीनस जो है थोड़ी लग्जरी के बारे में भी बोलता है. सो दिस टाइम यू शुड बी एंजॉयिंग योर लाइफ. ओके, अगर रिपीटेडली आप देख रहे हैं तो सब कुछ छोड़ो, थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताओ, एंड टुगेदर दिस इज द राइट टाइम. यू आर इन द राइट टाइम, ऑन द राइट पाथ, एंड एट द राइट मोमेंट. तो अगर आपको डिसीजन लेना है, जल्दी से ले लीजिए, अच्छे टाइम बिताइए अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने बच्चे के साथ. एंड विथ मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं तो आपका डिसीजन कौन लेगा? आपको खुद ही लेना है ना? तो ये है. और नेगेटिव थॉट्स के ऊपर रोक लगाइए, पॉजिटिव सोचिए, एंजॉय योर लाइफ. सो होप कि मैं आपको अच्छे से बता पाई नंबर 2-2-2 के बारे में, और आपको ये क्लियर हो गया. गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.